हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल ओडा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कर रहे हैं एसडीए द मैथ और आज इसके अंदर एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, वर्गमूल एवं घनमूल। तो दोस्तों, अभी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसकी बात कर रहा हूँ भाई? वर्गमूल एवं घनमूल की। तो देखना, यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँ कि बताना वर्गमूल निकालने का संकेत कैसा होता है, इसका सिंबल कैसा होता है। तो देखना, इसका जो संकेत होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और इस संकेत को हम कहते हैं क्या क्या बोलते हैं भाई? करड़ी बोलते हैं, या फिर इस तरीके से करड़ी होगी। और यहाँ पर कितना लिखा हो? टू लिखा हो, ठीक है। टू लिखा हो या ना लिखा हो, इन दोनों का अर्थ कैसा होता है? एक ही होता है, ठीक है। जैसे कोई आपकी संख्या 64 है और इस 64 पर इस तरीके से आपकी कड़ी लगी हुई है, इसका अर्थ है कि हमें इस 64 का क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। या फिर इस तरीके से यहाँ टू लिखा हो, तब भी इसका अर्थ है कि हमें इस 64 का क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से समझना, ये संकेत हो या फिर इस तरीके से हो, दोनों का अर्थ एक ही है, हमें क्या निकालना होता है? उस संख्या का वर्गमूल निकालना होता है। अब यहाँ से आप एक चीज़ समझना, ये जो संख्या 64 है, ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा बताना इस संख्या को और किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखना, ये जो 64 है, इस 64 की बात कर रहा हूँ भाई, और आप देखेंगे यहाँ पर करड़ी है, और करड़ी के अंदर यहाँ पर कितना लिखा हुआ? टू लिखा हुआ है। तो इस 64 की जो घात बनेगी वो कितने की बनेगी? 1/2 की बनेगी। इस तरीके से हो या इस तरीके से हो, ध्यान रखना भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भले ही हैं लेकिन अगर आपसे नहीं आती तो आपको ये प्रॉब्लम कर सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हो या इस तरीके से हो, हमेशा जो घात बनेगी वो कितने की बनेगी? 1/2 की। तो यहाँ से मैं क्या समझा रहा हूँ, अगर कोई भी संख्या है और उस पर 1/2 की घात लगी हुई है, तो इसका अर्थ है कि मुझे उस संख्या का क्या निकालना होता है? वर्गमूल निकालना होता है, ठीक है। तो ये तो चार चीज़ होगी भाई, किसकी? वर्गमूल की। अब बात करता हूँ मैं घनमूल की। तो देखना, घनमूल का जो संकेत होता है वो कैसा होता है? तो देखना, संकेत तो ऐसा ही होता है, कड़ी होती है, लेकिन इस कड़ी में यहाँ पर कितना लिखा होता है? 3 लिखा होता है। कितना लिखा होता है? 3 लिखा होता है। अगर यहाँ कड़ी में 3 लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि मुझे उस संख्या क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। जैसे कोई संख्या आपकी 216 है और इस 216 में इस तरीके से कड़ी लगी हुई है, सिर्फ ऐसे, तो अभी तक इसका अर्थ है कि हमें वर्गमूल निकालना। अगर यहीं पे मैंने लिख दिया 3, अब इसका अर्थ क्या भाई? यानी कि मुझे इसका क्या निकालना है? घनमूल निकालना। तो मुझे बताना, जिस तरीके से मैंने इस संख्या को इस तरीके से लिखा, इसे क्या लिख सकता हूँ? तो आप देखेंगे इस 216 की जो घात बनेगी वो कितने की बनेगी भाई? 1/3 की, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कितना लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। इसकी जो घात बनेगी कितने की बनेगी? 1/3 की। तो समझ जाना, कोई भी संख्या अगर उस पर 1/3 पावर लगी हुई है, घात लगी हुई है, इसका अर्थ है कि मुझे उस संख्या क्या निकालना? घनमूल निकालना, ठीक है। तो ये तो बात होगी वर्गमूल और घनमूल के संकेत के सिंबल की। अब मैं आपसे पूछूँ कि बताना वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। तो देखना, वर्गमूल निकालने के दो तरीके हैं। किसकी बात कर रहा है भाई? वर्गमूल की, ठीक है। तो इसका जो पहला तरीका है उसे बोलते हैं गुणनखंड विधि। क्या भाई? गुणनखंड विधि। और सेकंड मेथड भाग विधि। और आपसे इन दोनों का आना बहुत ही ज़रूरी है। आप ये ना बोलें कि भागी विधि से काम चल जाएगा या गुणनखंड विधि से काम चल जाएगा, आपसे दोनों ही आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको बेसिक से बता रहा हूँ भाई। तो देखना, पहले बात करता हूँ मैं गुणनखंड विधि की। जैसे कोई संख्या आपकी 36 है, मैं आपसे पूछूँ बताना इस 36 का गुणनखंड विधि से अगर वर्गमूल निकाल लें तो कैसे निकालेंगे? देखना कैसे निकालते हैं, हमें 36 से क्या करना है? फैक्टर करना है। तो आप देखेंगे 36 किससे डिवाइड हो जाएगा भाई? 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा, 18 से हो जाएगा। तो ध्यान रखना, आपको यहाँ पर जो डिवाइड करना है वो सबसे छोटी संख्या देगी। कैसे डिवाइड होगा? 2 से होगा। किससे होगा? 2 से होगा। और 2 से कितनी बार हो जाएगा? आप देखेंगे 18 बार हो जाएगा, ठीक है। अब कितने से? फिर 2 से हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा? 9 बार हो जाएगा। अब ये 9 कितने से डिवाइड होगा? ये हो जाएगा 3 से। कितनी बार? 3 बार। अब ये 3 कितने से भाई? एक बार। जब 1 आ जाए वहीं पर आपको रुक जाना होता है। इस 36 के जो फैक्टर आए वो कितने आए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3,
ठीक है, कितना है भाई 2 × 2 × 3 × 3, आप देखेंगे 2 × 2 में करेंगे 4, 4 × 3 = 12, 12 देख कितना होगा 36, 36 के फैक्टर आ गए। हमें क्या करना होता है फैक्टर करके, ये जो फैक्टर हैं हमें दो दो के क्या बनाने होते हैं, पेयर बनाने होते हैं। तो आप देखेंगे ये एक पेयर ये बन जाएगा और 3 3 का एक पेयर ये बन जाएगा। ठीक है, तो हमें दो दो के क्या बनाने होते हैं, पेयर बनाने होते हैं। अब ये दो दो का दो पेयर बन गए, आप देखें एक पेयर ये एक पेयर ये, और जो एक पेयर इसे हम एक बार लिखेंगे और इस पेयर को एक बार, अब इन दोनों कर देंगे मल्टीप्लाई और 2 × 2 = 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि इस 36 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा 6 आएगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम गुणनखंड विधि से क्यों करें, फैक्टर से क्यों करें, हमें तो 36 का भाग विधि से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई 36 किसका स्क्वायर है भाई 6 का स्क्वायर है, यानी कि 6 का स्क्वायर 6 छंगे 36 सीधा सीधा आ जाएगा। ऐसा क्यों बताया गुणनखंड विधि, देखना इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, ध्यान से देखना भाई। देखो ट्रिक तो हर कोई बता देता है, कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताता भाई, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपसे आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ट्रिक ही बताऊंगा ऐसी बात नहीं, ट्रिक नहीं बताऊंगा, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे मैं आपसे अभी, हमारे संख्या थी 36 और इस 36 का जो वर्गमूल आया था वो कितना आया था 6 आया था। अब मैं संख्या ले रहा हूँ आपकी 75, क्या ले रहा हूँ 75 ले रहा हूँ, अब बताइए इसका जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा। तो देखना फैक्टर करके आप देखेंगे आपका कितनी संख्या 75 है, 15 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तो छोटे छोटे संख्या देख लीजिए कितनी 3 है, 5 से भी कट सकते हो कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे 3 से काटा कितनी बार कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 25 बार, ठीक है, कितनी बार 25 बार, अभी 25 कितने से कट जाएगा 5 से कट जाएगा, और इस 5 से कितनी बार एक बार, जब 1 आ जाए वहीं रुक जाना होता है। अब मैंने क्या बताया था पेयर करने होते हैं, तो आप देखें फैक्टर क्या है 3 × 5 × 5, पेयर कितने के दो दो संख्याओं के, तो आप देखें एक पेयर होते हो बन जाएगा भाई दो संख्याओं का, और ये पेयर कंप्लीट नहीं, ये हमारा सिंगल ही है, तो ये जो पेयर बन गया इसे तो आप लिख लेते जाए, ठीक है फाइन, पेयर बन गया इसे एक बार लिख देंगे। अब ये पेयर कंप्लीट नहीं, इसका क्या करें, तो देखना इसका क्या करना होता है, ये जो कर्डी है इस कर्डी के अंदर लिखना कितना है 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3, यानी ये 5√3 कितना आ गया 5√3, इसका जो वर्गमूल आएगा कितना का 5√3। तो आप देखते हैं कभी कभी आंसर पॉइंट में ना हो करके इस तरीके से आंसर होते हैं, तो आपको बताइए इससे गुणनखंड विधि का आना जरूरी है कि नहीं, फिर बहुत ज़रूरी, ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूँ यहाँ पर, जैसे आपसे बोलूँ कि बताना 150 का वर्गमूल कितना आएगा, 150 इसका वर्गमूल बताइए, तो आप देखेंगे कितने से कट, 2 से कट जाएगा कितना 75, फिर कट जाएगा कितने से 3 से कट जाएगा कितना 25, फिर कट जाएगा 5 से 5 बार, और फिर 5 से कट जाएगा एक बार, ठीक है भाई 2, 3, 5 और 5 पेयर कितने के बनाने होते हैं, दो दो संख्याओं के, तो आप देखें एक पेयर होते कंप्लीट बन जाएगा, ये भी इनकम्प्लीट और ये भी इनकम्प्लीट, ये तो कंप्लीट है नहीं, तो क्या करेंगे जो कंप्लीट है उसे तो लिख देंगे हम बाहर, ठीक है 5 का पेयर है यहाँ लिख दिए। अब ये 2 और 3 कंप्लीट, इसका क्या करें, तो हम क्या करेंगे कर्डी लगाएंगे और इस कर्डी के अंदर 2 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई 2 × 3, यानी कि इसका आंसर जो आएगा 5√6 आएगा, कितना आएगा 5√6, यानी 150 का वर्गमूल कितना 5√6। तो देखना इन सब चीज़ों के आपकी जब घातांक और कर्डी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ठीक है इसी वजह से कह रहा हूँ भाई आपके लिए दोनों मेथड आना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो बात होगी हमारी गुणनखंड विधि की, तो उम्मीद करूँगा मैंने जो गुणनखंड विधि आपको जो बताई आपको ज़रूर समझ आई होगी, ठीक है। तो भाई समझ आ गया क्यों ज़रूरत है इसकी गुणनखंड विधि की। अब मैं बात करता हूँ भाग विधि की, किसकी भाई भाग विधि की इसकी, ठीक है। जैसे आपकी कोई संख्या है मान लीजिए 256, इसका मुझे भाग विधि द्वारा क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना। तो देखना हमें पेयर बनाने होते हैं और पेयर जो बनाते हैं वो किधर से बनाते हैं, दो दो संख्याओं के दो दो अंकों के पेयर बनाते हैं, जैसे 2, 5, 6 है तो दो अंक के पेयर बनाएंगे, और पेयर जब बनाएंगे हम राइट साइड से बनाते हैं, किधर से बनाते हैं राइट साइड से, ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड कौन सा 6, 5 और 2, और ये लेफ्ट साइड है, दो दो अंकों के पेयर बनाते हैं और राइट साइड से। अब आप देखें ये हमारा 2 बज गया सिंगल, ये तो पेयर कंप्लीट है नहीं, ये जो अकेला इसे अकेला ही रहने दो कोई दिक्कत नहीं, पर इधर से हमें पेयर बनाना होता है और दो अंकों का एक पेयर बनता है, ठीक है। अब इस 2 का इसका जो वर्गमूल कैसे निकला, आप देखेंगे 2 है तो बताइए 2 किसी संख्या का वर्ग है, तो आप देखेंगे 2 किसी संख्या का वर्ग नहीं, ध्यान से समझना, जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 का स्क्वायर कितना है, मैं पूछ रहा 2 किसी संख्या का स्क्वायर है, जैसे 1 है
किसका स्क्वायर है, वन का स्क्वायर है, फोर है किसका स्क्वायर है, टू का स्क्वायर है। इसी तरीके से पूछ रहा हूँ क्या टू किसी का स्क्वायर है, टू किसी का स्क्वायर नहीं है, टू का स्क्वायर फोर है लेकिन टू किसी का स्क्वायर नहीं है। तो आप देखेंगे वन का स्क्वायर कितना होता है, वन होता है। अगर टू का स्क्वायर लेंगे तो फोर हो जाएगा जो कि दो से ज़्यादा होगा, तो दो नहीं ले सकते, कितना वन, यहाँ लिख देंगे वन। वन का स्क्वायर कितना होता है, वन, तो यहाँ लिख दीजिए वन। अब देखना इस टू में से वन को माइनस करें कितना बचेगा वन। अब यहाँ से एक चीज़ समझना, जब हम भाग करते हैं तो एक संख्या उतारते हैं लेकिन वर्गमूल में ऐसा नहीं होता। वर्गमूल में कैसा होता है, ये जो हमारा पूरा पेयर है फाइव और सिक्स का, कितना 56 है, इस पेयर को पूरे को उतारना पड़ेगा, ठीक है। इस पेयर को पूरे कितना हो गया 156 होगा। अब क्या करना होता है, इस तरीके से हम दोबारा से लगा देंगे, ये कितना वन है और इस वन का क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो बताना वन का दुगना कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। अब क्या करना है, इस दो का भाग एक में लगाइए, क्या जाएगा, नहीं जाएगा। तो दो का भाग पंद्रह में, दो पंद्रह में चला जाएगा कितनी बार, दो सत्ते चौदह और दो अट्ठे सोलह ज़्यादा हो जाए, कितनी बार गया, सात बार। ध्यान से देखें ये टू है, कितनी बार गया, सात बार लेगा, इसे सात यहाँ लिख दीजिए, जितनी बार भी गया उसे यहाँ लिख दे। और इतने से ही हमें इस संख्या में क्या करना होता है, गुणा करना होता है। सात का सात में करेंगे उनचास, सात दो चौदह, चार अठारह, आप देखेंगे 189, लेकिन आपका ये 156 है, यानी कि हमारे यहाँ सात बार नहीं जाएगा। कितनी बार जाएगा, छः बार जाएगा, कितनी बार, छः बार, 26। जितनी बार जाए उतने से हमें गुणा करना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं यहाँ छः लिखते हैं, यहाँ पाँच लिखते हैं, यहाँ छः तो यहाँ भी छः, यहाँ सात तो यहाँ भी सात, छः छः 36, छः दून 12, 12 होते हैं कितना 15, कितना 156, कितनी बार गया भाई, छः बार गया, ठीक है। और यहाँ छः का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 156, यानी इसका जो वर्गमूल आएगा 256 है, कितना आएगा भाई, 16 आएगा, कितना आएगा भाई, 16 आएगा, ठीक है। तो ये तो हमारी छोटी चीज़ थी, अगर आप चाहते कि हमें ट्रिक बताइए तो ट्रिक ही बताऊंगा, लेकिन अभी जो बता रहा हूँ आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसकी ट्रिक चाहते हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं भी आएंगी ऐसी नहीं, छोटी हैं, इसका तो आप बता भी सकते हैं क्योंकि 256 है, 16 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर आप ट्रिक चाहते हैं तो आप मुझे जो है कमेंट करना, तो उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा सिर्फ ट्रिक का, ठीक है, वर्गमूल निकालने का, घनमूल निकालने का। अब एक संख्या और लेता हूँ, जैसे समझना 1225 ले लिया मैंने, क्या ले लिया 1225, इसका वर्गमूल कितना आएगा, तो देखना भाग विधि से पेयर बनाएंगे और पेयर किधर से, राइट साइड से, कितने के, दो दो अंकों के, एक पेयर ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। अभी देख रहे थे इधर सिर्फ सिंगल संख्या थी, एक ही अंक था उसका पेयर बना, यहाँ दो हैं तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब आप देखेंगे 12, ये जो 12 है वो किसका स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन आप देखेंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, है ना। तो ये 12 से तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर ले लेंगे, कितना 3, और 3 का स्क्वायर कितना 9। अब आप देखेंगे 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब क्या करेंगे, इस पूरे पेयर को उतारेंगे ना कि एक संख्या को, और पेयर कितने का भाई, 25। अब क्या करते हैं, क्या बताया था भाई, यहाँ जितनी भी बार जाए उसका क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। 3 का जब डबल करें कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। अब 6 का भाग 3 में देंगे, नहीं जाएगा, 32 में देंगे, चला जाएगा, कितने बार, 6 5 23, कितनी बार गया, 5 गया, 65। और 5 देखता हूँ भाई, 5 गुणा 5 में करें 25, 5 6 31 और 2 32, कितना 325, ये भी 325, यानी कि भाग चला गया, कितनी बार भाई, 5 बार। इसका जो वर्गमूल आया वो कितना आया, 35 है। अब एक चीज़ और देखना अभी, जैसे बोलूँ बताना 15625, इसका वर्गमूल कितना है। देखो यहाँ से बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, आपको प्रॉब्लम कर सकती है। जिन्होंने मान लो हाई स्कूल तक या नाइन्थ तक जिन्होंने मैथ लिया, उसके बाद मैथ छोड़ दिया ट्वेल्थ में जा करके, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि उन्होंने भाई मैथ छोड़ दिया है, और जो रेगुलर पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखना भाई, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे करेंगे भाई, दो दो के पेयर बनाएंगे, और किधर से बनाते हैं, राइट साइड से बनाते हैं। तो आप देखेंगे एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा, ये हमारा सिंगल ऐसे रहेगा, तो हम इस अकेले का एक का बना देंगे लेफ्ट साइड को, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखेंगे वन है, और एक किसका स्क्वायर, वन का स्क्वायर, यानी कि वन, एक में से एक जाएगा जीरो, तो कोई बात नहीं है, हम पूरा पेयर उतार देंगे, कितने का, 56। क्या करते हैं भाई, इस वन जितनी बार जाए उसका क्या करते हैं, डबल करते हैं, और वन का डबल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखना भाई, इस 2 का भाग क्या 5 में जाएगा, जाएगा भाई, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो देख लो भाई, अगर 2 यहाँ है तो यहाँ भी आएगा, तो 22 का अब 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 44, कितना हो, 44, 6 में से 4 जाएगा 2 और 5 में से 4 जाएगा 1, कितना बचे, 12। अब क्या करेंगे, इस पूरे कितनी बार गया, 2 बार गया, ऐसे भी लिख लो भाई, 2 बार गया था, ठीक है, यहाँ लिख दिया। अब पेयर उतार देंगे, कितना हो जाएगा,
25। अब क्या करेंगे, इसका डबल क्या था, अब जो डबल करना है कितनी हो गए 12। अब इस 12 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 24, या फिर यहाँ पर जो है 22 है और 2 को जोड़ दो कितना होगा 24, इन दोनों को जोड़ दो या फिर इसका डबल कर दो, बात एक है ठीक है। अब इस 24 का भाई एक में तो जाएगा नहीं, ना 12 में जाएगा, कितने में जाएगा 122 में। तो 24 का भाई 122 में देंगे कितनी बार जाएगा, 24 × 5 = 120, कितनी बार, 5 बार जाएगा। तो यहाँ कितनी बार गया भाई, 5 बार, तो यहाँ पर भी आपको 5 ही लिखना होगा। 5 गुणा 5 में करेंगे 25 हो जाएगा, 5 को 20 और 2 22 और 5 दूनी 10 और 2 कितना 12, कितनी बार गया 5 बार, यानी इस 15625 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा 125। तो देखो मैं दोबारा से कह रहा हूँ, मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ना कि ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आप ट्रिक चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए इसकी ट्रिक बताऊँगा ठीक है। तो ये तो हो गए भाई हमारे वर्गमूल निकालना भाग विधि द्वारा ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपके लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, पॉइंट वाली संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। ऐसे समझना, जैसे अभी हमारी संख्या एक थी 225, अभी बताया था वर्गमूल निकालना, किधर से पैर बनाते, इधर से बनाते राइट साइड से, और इधर सिंगल सिंगल का बना दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहीं पर मैं कह दूँ कि 0.225 है। अब ये अभी हमने 225 का जो वर्गमूल निकाला था कितना निकाला था, 15 निकाला था भाई, कितना निकाला था 15 निकाला। अगर नहीं निकाला कोई बात नहीं, 225 का वर्गमूल कितना आएगा 15, क्योंकि 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो इसका वर्गमूल आएगा 15। लेकिन यहाँ मैंने कर दिया 0.225, तो इसका गलती से आप ये मत कर देना कि 0.15 आएगा या फिर 1.5 आएगा या फिर 0.015 आएगा, कुछ भी दिमाग में, ये सारे के सारे गलत है। इसका निकालने का तरीका क्या होता है इसे भी ध्यान से समझना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई ठीक है। कैसे करते हैं तो देखना, ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ। अभी अगर हमारी संख्या में पॉइंट नहीं है तो पेयर किधर से बनाता हूँ, राइट साइड से। अगर पॉइंट वाली संख्या का वर्गमूल निकालना है तो पेयर जो बनता है वो किधर से बनता है, लेफ्ट साइड से। किधर से बनता है, लेफ्ट साइड से, यानी लेफ्ट साइड कौन सी है, तो आप देखेंगे कितने का, दो दो का पेयर। अब यहाँ का बच्चा सिंगल, यहाँ पर हमने सिंगल छोड़ दिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन यहाँ आप इसे अकेला नहीं छोड़ सकते, आपको इसे पूरा पेयर कंप्लीट करना ही होगा। और पेयर कंप्लीट करना है तो आप अपनी तरफ से यहाँ पर जीरो पढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखेंगे पेयर कंप्लीट हो गया दो दो अंकों का ठीक है। अब आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप देखेंगे पॉइंट है तो पॉइंट लगा दीजिए। अब हमारा कितना 22 है, तो बताइए 22 क्या किसी का वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, किसी का नहीं होता। 4 का स्क्वायर 16 होता, 5 का स्क्वायर 25, तो 5 तो लेंगे नहीं, क्या ले लेंगे 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ठीक है। अब 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। अब क्या करेंगे, इस पूरे पेयर को उतारेंगे, और पेयर कितना 50 का। यहाँ क्या करते हैं भाई, इस 4 का डबल कितना कर देंगे 8, 8 का भाग 6 में जाएगा नहीं, 65 हो जाएंगे, कितनी बार जाएगा 8 × 8 = 64, कितनी बार जाएगा 8 बार, तो 8 बार देखेंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो आप देखना 7 बार देख लो भाई 7 बार, और यहाँ भी 7, 7 गुणा 7 में करेंगे 49 हो जाएगा, और 7 × 8 = 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना होगा 609 ठीक है ना। 7 × 49 = 4 बचे 7 × 8 = 56, 56 × 4 = 60, कितनी बार 7, यानी इसका जो वर्गमूल आएगा 0.47 आएगा, कितना आएगा 0.47 आएगा, ना कि 0.15 या 1.5 आएगा ठीक है। तो ध्यान रखना, जल्दबाजी आप इस 225 को देख करके और डायरेक्ट आंसर आप ये मत दे देना, ये गलती मत करना ठीक है। बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन फिर आपके लिए बता रहा हूँ, हो सकता है आप भूल गए हो ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखना कभी भी आपको पॉइंट वाली संख्या का वर्गमूल निकालना है तो आपको जो पेयर बनाना होता है वो लेफ्ट साइड से बनाना होता है, अगर बिना पॉइंट वाली है तो आपको जो पेयर बनाना होता है वो राइट साइड से बनाता है ठीक है। तो इससे आप ध्यान रखना। अब मैं क्वेश्चन की भाई शुरुआत करता हूँ, सबसे पहले देखेंगे हम पहला क्वेश्चन, और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है भाई देखना। तो देखो बहुत ही आसान चैप्टर है ठीक है, आपको परेशान नहीं होना, बस आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए भाई। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो आपके लिए कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो देखना क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो क्या कहता है भाई, 0.121 क्या निकालना भाई, क्या निकालना है हमें, इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखना अगर सिर्फ 121 होता तो आप फटाफट से इसका आंसर दे देते, कितना हो जाएगा
11 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का वर्ग है, यानी कि हमारा आंसर कितना होता है 11, लेकिन 0.121 है। तो अब यहाँ पर आप जल्दबाजी ये मत करना कि 0.11 हो जाएगा या 1.1 हो जाएगा या 0.011 हो जाएगा, ये गलती मत करना आप, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए। अभी मैंने अभी बताया था कि जब भी देखो इस जीरो का कोई मतलब नहीं पॉइंट से पहले, ठीक है, पॉइंट से पहले जीरो है तो कोई इसका मतलब नहीं है, सिर्फ 0.121 है। कैसे करेंगे, पेयर कैसे बनाएंगे भाई, क्या बताया था, पॉइंट वाली संख्या, तो पेयर जो बनता है लेफ्ट साइड से बनता है, तो एक तो पेयर ये बन जाएगा, आप देखेंगे तो पेयर कंप्लीट नहीं है, नहीं तो हम अपनी तरफ से क्या करते हैं जीरो बढ़ाते हैं, अब आप देखेंगे पेयर हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बताना ये जो 12 है पॉइंट है तो पॉइंट लगा लीजिए। अभी जो 12 है, 12 क्या किसी का स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर नहीं होता, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 हो जाता है, 16 ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, आप देखेंगे 12 में से 9 जाएगा 3, इस पेयर को उतार देंगे 10। अब अगर आप इसे पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो अभी और कर लेंगे, लेकिन अगर हमें सिर्फ आंसर देना है तो आप देखेंगे हमारा जो ऑप्शन है इसमें से 0.3 से कोई भी नहीं है, ए बी सी डी चार ऑप्शन में से कोई नहीं, तो हमारा जो ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारा 0.3 आ रहा है और हमारा ऑप्शन कोई है नहीं। लेकिन अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हो कैसे करेंगे देखना भाई, 0.3 तो हो ही गया, अब 3 का क्या करेंगे डबल कितना हो जाएगा 6, 6 का वक्त 31 हम देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार चला जाएगा, लेकिन 5 बार जाएगा नहीं, उससे हमें एक बार कम कर लेते हैं 4 बार जाएगा, ठीक है, और 4 बार में कितना हो जाएगा देखना, 4 चौके 16 और 4 छक्के 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, कितना 256, यानी कि इसका जो वर्गमूल आएगा 0.34 अप्रॉक्स, और भी आगे तक आएगा, ठीक है, लेकिन अभी हम इतना ही करके छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमारे इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो भाई ध्यान रखना है, ठीक है, डी ऑप्शन होगा हमारा। अब हम देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा, सेकंड क्वेश्चन कहता है 0.0625 इसका वर्गमूल कितना होगा। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है हमको कि पॉइंट के बाद हमें क्या बनाना होता है, पेयर बनाना होता है किधर से, लेफ्ट साइड से, आप देखेंगे ये पेयर कंप्लीट और ये पेयर कंप्लीट। अब आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाइए या फिर वर्गमूल निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप देखेंगे अगर आप यहाँ पर पॉइंट थोड़ी देर के भूल जाते हैं तो बताइए अब कितना संख्या है 0625। अगर यहाँ पॉइंट नहीं है तो यहाँ जीरो का भी कोई महत्व नहीं रहता है, सिर्फ 625, और आप देखेंगे 625 किसका वर्गमूल होता है, 625 किसका, सॉरी 625 का जो वर्गमूल होता है वो किसका होता है, क्या कह रहा हूँ मैं, 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, यानी कि 625 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा भाई, 25 आएगा, कितना आएगा 25 आएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है 625 होता है। तो मैंने क्या बोला, अभी थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाइए, अब देखना पॉइंट सिर्फ मैंने बताया कि इसका डायरेक्ट आप वर्गमूल निकाल सकते हैं अगर आपको स्क्वायर पता हो तो। तो बताना इसका जो वर्गमूल आएगा कितना आएगा, 25 तो आएगा नहीं, पॉइंट ही आएगा, तो देखना पॉइंट कहाँ पर लगेगा, आप देखेंगे पॉइंट के बाद कितने पेयर हैं, दो पेयर हैं, एक पेयर ए और एक पेयर ए, दो पेयर हैं भाई, कितने पेयर हैं, दो पेयर हैं, तो हमें ये जो दो संख्याएं, इन दो संख्याओं को पहले हमें पॉइंट लगाना होगा, एक और दो, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, जितने पेयर उतने अंकों के आगे हमें क्या लगाना होता है, पॉइंट लगाना होता है, तो कितना हो जाएगा 0.25, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है भाई, कौन सा हो जाएगा 0.25, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 0.25 या 0.25 दोनों का मीनिंग क्या एक ही है। आप देखेंगे तीसरा क्वेश्चन कहता है 0.0441 इसका वर्गमूल कितना आएगा। तो देखना सबसे पहले हम देखेंगे क्या पेयर कंप्लीट है, दो अंकों का पेयर कंप्लीट है, थोड़ी देर के लिए आप पॉइंट भूल जाइए, अगर आप पॉइंट भूल जाते हैं तो आपकी संख्या कितनी हो जाएगी, इन जीरो का तो कोई महत्व नहीं रहता, सिर्फ क्या होगा 441। तो आप देखेंगे 441 कौन सी संख्या का स्क्वायर है भाई, 21 का स्क्वायर होता है, यानी कि इस 441 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, 21 आएगा, कितना आएगा 21 आएगा, लेकिन पॉइंट आएगा, पॉइंट कहाँ आएगा, आप देखेंगे कितने पेयर बनने हैं पॉइंट के बाद, 1, 2, 3 पेयर है, यानी कि 3 अंकों के पहले पॉइंट आएगा, और जो हमें पॉइंट लगाना होता है किधर से संख्या गिनते, इधर से राइट साइड से, 1, 2 और 3, 3 तो है नहीं तो हम अपनी तरफ से 0 बढ़ा लेंगे, यानी 0.021 इसका जो है वर्गमूल आएगा, ठीक है,
यानी कि आपका जो आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन। इसी तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ, और क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है 0.2, तो इस जीरो को ही महत्व नहीं भी पॉइंट के पहले, ठीक है, सिर्फ 0.2 है, इसका वर्गमूल कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें पेयर बनाना होगा, और पेयर कैसे बनाएंगे, जीरो रख के। आप देखेंगे हमारा 20 है, ये किसका स्क्वायर, आप देखेंगे चार, चार चौके 16, पॉइंट है तो पॉइंट लगा लेंगे, चार चौके 16, और 20 में 16 जाएगा कितना, चार। आप देखेंगे 0.4 समथिंग आएगा, क्या 0.4 का हमारा कोई ऑप्शन है, आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन आपका 0.4 का है, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे आगे भी निकालना चाहते हो, देखना कैसे निकालेंगे भाई, कितना बचा, चार बचा। अब क्या करेंगे, इस चार का क्या करेंगे, डबल करेंगे, कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पर हमारे पास कोई संख्या उतारने के लिए तो है नहीं पेयर, तो देखना जब कोई भी संख्या ना हो और संख्या में पॉइंट है तो आप अपनी तरफ से दो जीरो बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो पेयर उतारेंगे हम वो दो जीरो को उतारेंगे, ठीक है। अब देखना 8 का बार चार में जाएगा नहीं, 40 में चला जाएगा, कितने बार, 5 बार, लेकिन वो ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे, 4 बार करेंगे, 4 चौके 16, यहाँ भी 4 लिखेंगे, कितनी बार, 4 बार, 4 चौके 16, 4 8 32, 32 और कितना हो जाएगा 33। अब कितना बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 6, 64। अब क्या करेंगे भाई, इस 44 का या तो डबल कर दीजिए 88, या फिर 84 और 4 दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 88। अब इस 88 का वो 64 तो जाएगा नहीं, क्या करेंगे, फिर दोबारा से पेयर उतारेंगे, पेयर किसका उतारेंगे, 0 0, क्योंकि यहाँ पर तो कोई संख्या है ही नहीं। अब दोबारा से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, कितनी बार, 7 बार, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा 0.447, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर एग्जाम की बात करें तो हमें इस तरीके से पूरा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं भाई, हमें तो सिर्फ दिख रहा है कि 0.4 से शुरुआत हो रही है हमारी, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, पूरा सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या कहता है, 0.09, कितना है, 0.09, इसका वर्गमूल कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे पॉइंट के बाद हमारा पेयर कंप्लीट है, आप देखेंगे पेयर दो अंकों का कंप्लीट है, थोड़ी देर के लिए आप पॉइंट भूल जाइए, अगर पॉइंट भूल जाते हैं संख्या कितनी बन जाएगी, 9, और 9 किसका वर्गमूल है, 3 का स्क्वायर है भाई, 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है। अब पॉइंट कहाँ आएगा तो बताना, पॉइंट के बाद कितने पेयर, एक पेयर, यानी एक अंक के पहले पॉइंट, यानी कि यहाँ आ जाएगा, यानी कि 0.3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखेंगे आप 6 क्वेश्चन है वो है 0.9, या फिर बोलें 0.9, दोनों का मीनिंग एक है, ठीक है। तो देखना इस 0.9 का वर्गमूल कितना आएगा भाई, क्या करेंगे, सबसे पहले पेयर कंप्लीट करेंगे, पेयर कंप्लीट होगा कितना बन गया, 90 बन गया, क्या 90 किसी संख्या का वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, किसी का नहीं होता। आप देखेंगे 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना है, 81, 10 तो होगा नहीं, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो आप देखेंगे यानी कि हमारा जो 0.90 का जो आएगा वर्ग, 0.9 के समथिंग आएगा, कितना आएगा, 0.9 के समथिंग, और आप देखेंगे 0.9 के समथिंग हमारा जो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो हमें आगे तो सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ यहीं पर टिक कर देंगे। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है, तो देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, पर ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप गलती कर देंगे अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट ना पता हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप फटाफट से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपका 900 रूट के अंदर प्लस 0.09 प्लस पॉइंट, कितने जीरो भाई, 2 और 3 5 0, 5 times 0 है, ठीक है, और कितना है 9, इसे सॉल्व करना, देखना आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है और आपको डरने की भी जरूरत नहीं बिल्कुल भी, क्यों, तो आप देखेंगे 900 किसका वर्ग होता है भाई, 30 का वर्ग है, यानी इसका जो वर्गमूल आएगा 900 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि 30 का स्क्वायर है, ठीक है। 0.09, तो आप देखेंगे सबसे पहले पॉइंट के बाद पेयर कंप्लीट करेंगे, और पेयर देखेंगे आप कंप्लीट है तो थोड़ी देर के लिए आप पॉइंट भूल जाइए, अगर आप थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाते हैं संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 9, और 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का वर्गमूल होता है, किसका होता है, 3 का, ठीक है, सॉरी बार बार गलत निकाल रहा हूँ, 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है कितना, 9, यानी कि 9 का जो वर्गमूल आएगा कितना आएगा, 3, लेकिन पॉइंट भी आएगा, पॉइंट कहाँ आएगा, आप देखेंगे पॉइंट के बाद हमारा ये पेयर क्या है, कंप्लीट है, और पॉइंट के बाद कितना पेयर, एक पेयर है, यानी कि एक अंक के पहले पॉइंट आ जाएगा। इसी तरीके से ये पेयर बन जाएगा, ये बन जाएगा, और ये बन जाएगा, 3 पेयर बनने, तो आप देखेंगे पॉइंट अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं संख्या क्या है, सिर्फ 9 हो जाएगी, क्योंकि 9 के आगे कितने भी जुड़ों कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ संख्या आएगी 9, कब, जब पॉइंट ना हो तब। तो 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3 आएगा, 3 का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट भी आएगा, पॉइंट कहाँ आएगा, पॉइंट के बाद कितने पेयर हैं, 1 2 3, कितने, 3 पेयर, यानी कि 3 अंकों के पहले पॉइंट आएगा। तो और अंक हम किधर से देखते हैं, 1 2 और 3, राइट साइड से इधर, ठीक है, 1 2 और 3,
अगर अंक कम है तो हम अपनी तरफ से जीरो बढ़ा देते हैं, यानी कि हमारा जो वर्गमूल आएगा 0.003। भाई तीन पेयर आप देखेंगे, पॉइंट के बाद तीन है कि नहीं, एक दो तीन अंक है, ये बस इसे जोड़ लीजिए आपका आंसर निकल आया। अगर आपसे जोड़ना नहीं आता तो परेशान ना हो, तो देखना कैसे जोड़ेंगे। तीस है, आप देखने पॉइंट वाली संख्या जोड़नी, यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो आप अपनी तरफ से पॉइंट लगा लीजिए, जितने मर्जी जीरो बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं, जितने मर्जी, ठीक है। ये पॉइंट है, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आएगा, उसके बाद संख्या लिखेंगे। ये पॉइंट है 0.003, ठीक है, यहाँ जीरो नहीं तो यहाँ भी आप अपनी तरफ से जीरो बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं। अब आप जोड़ देंगे तो 3 0 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा 0 3, यानी कि 30.303, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन है आपका आठवां, और आठवां जो क्वेश्चन है आपका वो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों कैसे हैं, सेम है, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, इसे भी आप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। जैसे 400 प्लस रूट के अंदर है प्लस 0.0400, ठीक है भाई, प्लस पॉइंट कितने बार है, 5 बार है ना, 2 3 5, ठीक, 0000004, ठीक है भाई। इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे भाई, देखना, ये भी सिंपल है। तो आप देखेंगे 400 किसका वर्ग होता है, 20 का वर्ग है, यानी ये 400 का जो वर्गमूल आया वो कितना आएगा, 20 आएगा, क्योंकि 20 का स्क्वायर कितना है, 400, ठीक है। प्लस इसका वर्गमूल कितना आएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट है, पेयर देखेंगे, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। अब बताइए, थोड़ी देर के लिए हम पॉइंट भूल जाते हैं, पेयर तो हमारे कंप्लीट है, ठीक है। अब बताना पॉइंट के बाद अगर देखें तो संख्या क्या बन जाएगी, 0400। मैंने भी बताया था जीरो कोई महत्व नहीं, इस जीरो का महत्व नहीं है, लेकिन इनका तो है भाई, इनका तो है, इसे ख़त्म नहीं करेंगे। अंक के पहले अगर जीरो है तो हम उसका कोई भी महत्व नहीं रखते, ठीक है। जैसे यहाँ इसका कितने भी जीरो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये 4 है 5 है 6 अगर कोई संख्या उसके बाद अगर 0 है तो इसका महत्व है, ठीक है, ये मत बोलना इसका भी कोई महत्व नहीं। तो इस ये जो हमारी अगर हम थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाते हैं तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, 400। और आप अभी देख रहे थे 400 का वर्गमूल जो आया था कितना आया था, 20 आया था, यानी कि इसका भी जो वर्गमूल आया वो कितना आएगा, 20 आएगा, लेकिन पॉइंट आएगा कहीं ना कहीं, कहाँ आएगा, पॉइंट के बाद कितने पेयर हैं, 2 पेयर हैं, 1 और 2, तो यानी कि 2 अंकों के पहले पॉइंट आएगा, 1 2, यानी यहाँ पॉइंट आएगा, ठीक है। प्लस इसी तरीके से इसे देखना, पॉइंट के बाद पेयर कंप्लीट करेंगे पहले, तो आप देखना 2 2 के पेयर कंप्लीट हैं। थोड़ी देर के लिए हम पॉइंट भूल जाते हैं, संख्या कितनी बन जाएगी, 4, और 4 जो हमारा वर्गमूल है, 4 का जो वर्गमूल आया वो कितना आएगा, 2 आएगा, क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, लेकिन यहाँ पॉइंट आएगा, पॉइंट कहाँ आएगा, पॉइंट के बाद कितने पेयर, 1 2 3 पेयर, यानी कि 3 अंकों के पहले पॉइंट, 1 2 और 3, यानी कि 0.002। इसे जोड़ लीजिए अभी की तरह, 20.00 कितने भी रख दो कोई दिक्कत नहीं, 0.20.002, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, तो आप देखें यहाँ भी 0 रख दो, यहाँ भी रख दो कोई दिक्कत नहीं, 200 जोड़ेंगे 2 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 2 रहेगा, 0.02, 20.202। तो देखना ये हमारा जो है सिंपल क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 8 9 ये तीनों एक जैसे हुए, कोई अंतर नहीं हुआ, ठीक है। हमारा जो आंसर होगा इसका कौन सा हो जाएगा, 20.202 कौन सा हो जाएगा भाई, अच्छा हाँ ध्यान रखना 20.2020 हमारा सी ऑप्शन होगा, ठीक है, ये मत बोलना कि ऐसा नहीं, क्योंकि बाद वाला जीरो है उसका कोई महत्व नहीं यहाँ पर, ठीक है, सी ऑप्शन होगा इसका। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भाई, 0.324, तो 0.324, तो ये पॉइंट के पहले जीरो इसका तो कोई महत्व है ही नहीं भाई, जीरो खत्म कर दो, तो सिर्फ 0.324 इंटू 0.081 इंटू 4.624 अपॉन कितना हो जाएगा भाई, 1.5625 इंटू 0.0289 इंटू 72.9 इंटू कितना है, 64। क्या निकालना है इसका, वर्गमूल निकालना है, ठीक है भाई, देखना कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि आप पॉइंट ख़त्म कर सकते हैं, कर सकते हैं कैसे, पॉइंट के बाद आप संख्या देखिए कितनी, 1 2 3 अंक गिनने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पॉइंट के बाद हमारे 9 अंक हैं, 3 यहाँ पर कितने हो गए, 6, और 3 यहाँ पर कितने, 9, यहाँ देखना पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4
पाँच छः सात आठ और एक नौ पॉइंट के बाद, कितने अंक हैं? नौ अंक हैं, नौ ऊपर हैं नौ नीचे हैं, यानी कि सारे के सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, हट जाएंगे, ठीक है। यानी जो संख्या बचेगी वो सिर्फ बचेगी 324 × 81, ऊपर हो जाएगा 4624 अपॉन, ये हो जाएगा 15 625 × 279 × 769 × 64, इसका हमें वर्गमूल निकालना है, इसका हमें क्या निकालना, वर्गमूल, ठीक है, क्योंकि हमारे पॉइंट तो हट गए भाई। अब देखना, आप देखेंगे 81 से कट जाए कितनी बार, 9 बार, क्यों, 9 कम 9 8 कितना, 72। इसी तरीके से आप 289 से इसे काट दें कितनी बार, 16 बार कट जाएगा, ठीक है। और इस 9 से ये भी कट जाएगा, 9 3 27 कितने बचे, 5 बचे 54 9 6 54 कितना, 36। आप देखेंगे ऊपर बचे 36 × कितना हो जाएगा, 16, तो आप देखेंगे 36 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा, 6 का स्क्वायर है, 16 किसका वर्गमूल है, सॉरी कई बार निकल चुका है मुझे, 16 किसका वर्ग है, 4 का, यानी कि 16 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अपॉन, इसी तरीके से आप देखेंगे 15 625 किसका वर्ग है भाई, अभी हमने थोड़ी देर पहले जब शुरुआत की थी क्लास तब मैंने बताया था 15 625 का जो वर्गमूल निकला था वो कितना निकला था भाई, 125 निकला था, इनटू अब कितना बचे और तो नीचे का भाई, हाँ ये बचा 64, ये किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है, यानी 64 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, 8 है। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, इस पूरी संख्या का वर्गमूल ये आ गया। आप देखेंगे 6 का गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और इस 125 का 8 में करेंगे कितना हो जाएगा, 1000। इस 1000 का भाग 24 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.024, क्यों, क्योंकि नीचे कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो यानी 3 अंकों के पहले पॉइंट आ जाएगा, तो 1 2 और 3, ठीक है, 0.024 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बताइए आसान क्वेश्चन है कि नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि आपका कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, 0.024, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, कौन सा भाई, सी ऑप्शन। तो सिंपल क्वेश्चन है सारे, ठीक है, थोड़ी सी वीडियो जरूर लंबी हो रही है क्योंकि थोड़ा मैंने आपके लिए बेसिक बताया, तो इससे आप परेशान ना हो। अब आप देखना क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्या कहता है भाई, 0.798 का स्क्वायर लिख लेता हूँ, सही 0.798 का स्क्वायर प्लस 0.404 × 0.798 प्लस 0.202 का स्क्वायर, और एक इसमें रूट में कर्डी के अंदर, ठीक है भाई, प्लस कितना है, 1, और ये 1 भाई इस कर्डी से बाहर है, इस रूट से बाहर है, ठीक है, ये पूछ रहा किसके बराबर, तो ये भी बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। आप देखेंगे ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर इसी फॉर्मूले लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इन दोनों का मीनिंग है कि भाई, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे पहले लिख दिया ऐसे बाद में लिख दिया, तो इसमें तो इसमें तो कोई डिफरेंस है नहीं, बस आगे पीछे करके लिख दिया, तो आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला बनेगा 100%, क्योंकि देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी आप देख रहे हैं स्क्वायर बनना है, स्क्वायर बनना है, ये वाला पैटर्न है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन आप कह रहे हैं यहाँ तो 2 है ही नहीं, 2 है, हिडन है, कैसे, देखना अगर आपने इसे, चलो अभी ए मान लिया, क्या मान लिया, ए मान लिया, और इसे आपने मान लिया बी, तो देखना ये बन गया ए स्क्वायर, इस संख्या ए माना इसे माना बी, तो आप देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए, तो आप देख रहे हैं 2 तो है ही नहीं, 2 है, कैसे, आप देखें 0.798 ये आ गया, 0.202 तो यहाँ है ही नहीं, तो आप देखें 0.404 में 2 भी है और ये भी है, कैसे, इस 0.404 को क्या ले सकते हैं, 2 × 0.202 × 0.798, तो देखना इसे तो मैंने ऐसे ही रखा और इसे फैक्टर करके इस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, आप 2 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही फाइंड हो जाएगा, यही प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखना अब हमारे ये पैटर्न बन गया क्वेश्चन, 0.798 का स्क्वायर प्लस 0.202 का स्क्वायर, अब आप देखेंगे फार्मूला आपका बन गया कि नहीं बन गया, प्लस वन अलग है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फार्मूला बनेगा, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ये जो वर्ग बनेगा किसका, 0.798 प्लस 0.202 का क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है, और प्लस कितना है वन, ये वन अलग है। तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे 0.798, 0.202, तो कितना 8 और 2 10, 9 और 1 10, 7 और 2 9 10। तो आप बताना पॉइंट कहाँ आएगा, पॉइंट यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। तो आप देखना पॉइंट का कितने अंक है, 3 अंक है, तो भाई 3 अंकों के पहले पॉइंट आ जाएगा 1, 2, 3, यानी कि 1.00। पॉइंट के बाद कितने भी जीरो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि सिर्फ कितना होगा 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, तो 1 का वर्गमूल कितना आएगा, 1 ही आएगा भाई, 1 + 1, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। तो बताइए सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं। तो देखो इसे आपको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती अगर आपको फॉर्मूला याद होता है तो। और ये सारी चीज़ें कब कर पाएंगे, जब आप क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब, ठीक है। तो ये पूरा करने की जरूरत है, आप डायरेक्ट यहाँ पर ऐड कर दें, ठीक है, और आपको 1 प्राप्त होता है, 1 / 2, बिना पेन उठाए भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो अच्छे, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा भाई, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।